एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे पहले एक नजर मार लेते हैं पे न्यू स्टार्ट होने वाले हैं जिसका नाम है संजीवनी डिटेल बैच जो कि लाइफ साइंस फॉर नेट ट्वेंटी टू के लिए होने वाला है इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस कराई जाएंगी साथ ही साथ एक न्यू बैच भी है जिसे हम फाउंडेशन डिटेल बैच फॉर सी एस आई आर यू जी सी नेट बोलेंगे जो कि मैथमेटिकल साइंस के लिए है सेम दिसंबर के लिए है और इसमें भी आपको एक्सपीरियंस एंड टॉप एजुकेटर्स के थ्रू ही क्लासेस कराई जाएंगी साथ ही साथ एन अकेडमी वालों ने आप लोगों तो के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है जो कि है डिस्काउंट ऑफर आपको इसमें ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है जो कि आपको हर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा सिर्फ अन अकेडमी पे ही आपको देखने के लिए मिल सकता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ है इसके लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो और आप देख सकते हो इनके जो बैचेस है वो ट्वेंटी फोर मंथ के लिए ट्वेल्थ मंथ के लिए सिक्स मंथ के लिए हैं और सभी पे ट्वेंटी परसेंट ऑफ है उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है के जैसा कि आप पे मेंशन है हमारा आज का टॉपिक अन की सभी डिटेल के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना रहे वहाँ पे सभी मेंशन है लिंक्स अब आ जाते हैं हमारे अपने टॉपिक पे फोटो केमिस्ट्री का एम थर्ड सेमेस्टर में भी फोटो केमिस्ट्री है नेट सी एस आई आर में भी फोटो केमिस्ट्री है तो फोटो केमिस्ट्री को रट लो क्योंकि काफ़ी इजी पड़ती है तो फ्लोरोसेंस क्या होता है सबसे पहले मैंने आपको इसका पार्ट फर्स्ट समझाया है जो कि है फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल या जिसे हम जॉबलोन इसकी डायग्राम भी बोलते हैं ठीक है थीके? वो पार्ट वन मैंशन है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर नई चीज़ की है तो चेक कर लेना साथ ही साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक्स के लिए तो चलो टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी हो गई सबसे पहले जो फ्लोरोसाइंस की प्रोसेस है वो होती है कि फैन द लाइट रेडिएशन इज एब्सॉर्व बाय अ कंपाउंड इट्स इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम दिस लेवल इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू अ नॉर्मल पोजिशन आइदर डायरेक्टली और इन स्टेप्स विद द इमिशन ऑफ लाइट अब आप देखो मैंने यहाँ पे इमिशन को हाईलाइट किया है तो इमिशन क्या है जब कोई भी कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्व करता है तो वो डेफिनेटली हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है फ्लोरोसेंस की प्रोसेस में तो वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकता वापस अपनी मेन पोजीशन यानी कि लोअर पोजीशन में आ जाता है जो लाइट उसने एब्जॉर्व की थी उस लाइट को इमिट करके या इमिशन प्रोसेस हम उसे बोल सकते हैं अब इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि फ्लोरोसेंस की जो प्रोसेस होती है उसके लिए एमिशन ऑफ लाइट कितने सेकंड का होता ये जो हाइलाइटिंग पॉइंट है 10 की पावर -8 सेकंड ये होता है फ्लोरोसेंस का टाइम और इसे आपको नोट डाउन करना है एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका 10 टू 15 मार्क्स का आना ही आना है तो जरूर कर लेना अब आ जाते हैं स्टॉक्स लॉ क्या है स्टॉक्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो स्टॉक्स ने 1862 में हैड गिवन अ लॉ दैट द वेवलेंथ ऑफ अ

उंड लाइट, लाइट एब्सॉर्व की, की थी उसी की जितनी वेवलेंथ की जब वो लाइट को इमिट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं रेजुनेंस फ्लोरोसाइंस सेकेंड टाइप आ जाता है हमारा सेंसिटाइज फ्लोरोसेंस सेंसिटाइज क्या होता है देखो हाईलाइटिंग पॉइंट देखो किस पे हाईलाइट कर रखा है फॉरन मैटर पे ठीक है यानी कि जब किसी भी कंपाउंड में ठीक है हम लाइट को इमिट करने के लिए कोई फॉरेन का कंपाउंड यानी कि अलग से कंपाउंड मिलाते हैं उसे, उसे हम सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस कहते हैं देन थर्ड आता है आपका स्लो फ्लोरसेंस स्लो का मतलब डायरेक्टली पता चल रहा है जिसमें जो प्रोसेस है फ्लोरोसेंस की वो स्लो होती है उसे स्लो फ्लोरोसेंस कहते हैं देखो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा इसमें आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है दो से पाँच नंबर का ये क्वेश्चन आना है और सी एस आई आर में तो आपको पता ही है ट्रिक से क्वेश्चन आते हैं तो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी मैंने आज की क्लास में आपको करा दिए हैं आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग